अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा शाहिद शेख है और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। मैं करंटली अपनी PhD कर रही हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में और मैं हमीद लतीफ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि हमारे माशरे में जो नफ्सियाती प्रॉब्लम्स हैं या साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैबू कंसिडर किया जाता है, तो बहुत से लोग जो हैं अभी तक इसके बारे में बात करने से घबराते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके बारे में आप दूसरों को देखकर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि शायद इनको साइकोलॉजिकल हेल्थ की ज़रूरत है, और जो आगे नहीं आना चाह रहा आप उसकी मदद कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कोई आपका प्यारा, कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई दोस्त जो है वो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स का शिकार हो रहा है, बहुत गुस्सा करने लग गया है, चिड़चिड़ापन का शिकार हो गया है, या बहुत ज़्यादा उसको क्राइंग स्पेल्स आ रहे हैं, यानी रोना रोना आता रहता है या उदास रहता है, तो शायद ये इंडिकेशन है कि वो किसी साइकोलॉजिकल इशू से गुजर रहा है। इसके अलावा बहुत से लोग जो कि सोशल होते हैं, यानी लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, अक्सर अवकात जब किसी नफसियाती प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो वो आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, यानी वो अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते और बिल्कुल तन्हा टाइम गुजारते हैं। ये भी बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि कोई शख्स जो है प्रॉब्लम से गुजर रहा है। इसके अलावा फिजिटी रहना, इरिटेटेड रहना, हेडेक्स का शिकार रहना, तबीयत की खराबी का बहाना करते रहना, ये भी बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है कि आपका जो भी प्यारा है वो एक साइकोलॉजिकल इश्यू से गुजर सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स जो है ये बात कर रहा है कि इसको ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है, ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ, या वो ज़िंदगी ख़त्म होने के बारे में बात कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है और इसका मतलब यही होता है कि इस शख्स को बहुत जल्द अज़ जल्द साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, उसको उसके बारे में पहुँचाया जाए। इन सिनेरियोज़ में आप कर क्या सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग और अक्सर लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल हेल्थ के एक्सपर्ट नहीं होते, तो यहाँ पे आप जो बेसिक काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अगले को सपोर्ट पहुँचा सकते हैं।